पुलिस लाइन में 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली तथा शांति के प्रतीक सफेद कबूतर व बैलून को उड़ाया। इस दौरान मुख्य अतिथि जिलाधिकारी ने परेड का निरीक्षण किया तथा उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों को देश की अखंडता व निष्ठा की शपथ दिलाया तथा DGP के द्वारा प्रदान किए गए पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र सिल्वर गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया तथा साथ ही जनपद में अच्छा कार्य कर रहे पुलिस कर्मियों को जिलाधिकारी व SSP ने स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिसके संबंध में SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड पर परेड का आयोजन किया गया तथा पुलिस कर्मियों ने बहुत अच्छा परेड किया, जिसमें मुख्य अतिथि जिलाधिकारी थे तथा साथ ही जनपद में भी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। उन्होंने कहा कि जनपद में अच्छा कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को DGP व मेरे द्वारा प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने जनपद के सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की बधाई व शुभकामना दी। वहीं इस संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि 73वें गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं तथा सभी छात्रों से आग्रह करता हूं कि अपने कौशल के दम पर उड़ान भरे व देश का नाम रोशन करें तथा साथ ही 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दिन राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हुए अधिक से अधिक मतदाता अपने घरों से निकलकर मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान करें। इस अवसर पर जिला जज तेज प्रताप तिवारी, ADG जोन अखिल कुमार, DIG जे रविंद्र गौड़, SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा, SPCT सोनम कुमार, SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह, SP साउथ अरुण कुमार सिंह, SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, ASP CO बासगांव राहुल भाटी, CO कैंट श्यामदेव बिंद, प्रशिक्षु CO प्रशाली गंगवार, ADM सिटी विनीत कुमार सिंह, ADM प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता, ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा एवं जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, कुशलता की जिम्मेदारी है। अगर कुशल नेतृत्व होता है तो अभीष्ट प्राप्त करने के मार्ग सुगम हो जाते हैं। पूरा समाज उतनी ही सुगमता से अभीष्ट को प्राप्त अपने प्रमुख सुंदर कुशल नेतृत्व में जनपद सर्वांगीण पथ पर निर्वाध गति से चल रहा है, लेकिन कभी जमीर का सौदा नहीं किया। यह आपका स्वभाव है और यही कारण है कि हमारे सभी पाकर को जरूर याद करना चाहिए PIG महोदय का। बहुत सुंदर आत्मश
शोधन, आत्मविवेचन और आत्म प्रक्षालन को भी करना चाहिए कि हम और मुस्कराहट बिखेरने की विधा को अपनाते का काम करते को समझते हैं, अपेक्षाओं को समझते हैं समाज की और उन्हें मुस्कराहट देने का हर संभव प्रयास कर। महोदय का आगमन हो रहा है। बहुत सुंदर। मुख्य अतिथि महोदय, जिलाधिकारी, मुख्य अतिथि महोदय द्वारा फहराया गया, अभिवादन किया गया। अब परेड कमांडर सुश्री प्रशाली गंगवार द्वारा श्रीमान परेड निरीक्षण को तैयार है चलें और हमारे रणबांकुरों से सुसज्जित इस बृहत्तम परेड का सिंहावलोकन करें। वास्तव में सिखा करने के बाद
से परिपूर्ण ये लम्हा चाहिए। कंटकों की सेज पर भी गुनगुनाती ही रही है और जिन्हों में जगमगाती भी रही है। आए हमारे प्रिय समाज के लोगों, आप आश्वस्त रहें, मैं हमारे मां भारती और उनके धूमिल होने पाए। ये हर्ष पायर आश्वस्त करता है और यही एक मधुर संदेश देता है, एक वीरत्व का बहुत सुंदर उत्साह से लबरेज।
नखल हमने सींचा है खूने जिगर से, वो होगा कभी बागवर देख लेना। अरे किनारे लगेगी भंवर से ये कश्ती, वो आएगी एक दिन लहर देख लेना। मेरे जवानों, मेरे रणबांकुरों, और हमारे नौजवान, यह आप देखें यातायात पुलिस के टुकड़े, आप ये सिविल डिफेंस के वास्तव ही कर रहे हैं, ये हर की समाज की सेवा में लगे रहते हैं। फैजाबाद जेल से दिया था कि उठो उठो सो रहे हो नाहक, बयाने बागे जरस। शाबाश, बहुत सुंदर। आगे बढ़ेगी, बाय मार। शरद चंद्र पांडे, पूरे जवानों आपको प्रेषित कर रहा है, देखिए परेड कमांडर के नेतृत्व में। और मेरे साथ दोहराएंगे, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में जगत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय एडीजी महोदय, आदरणीय डीआईजी महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे साथी अधिकारीगण, मीडिया के सभी बंधुगण, यहाँ पे उपस्थित सभी पुलिस साथीगण और
सभी सम्मानित नागरिकगण, सर्वप्रथम हमारी पूरे टीम की ओर से सभी को इस पावन अवसर के लिए बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मेरे लिए और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारी पूरी टीम के लिए आज इस पावन धरती पर, बलिदान की धरती पर, कवि और लेखक के धरती पर इस पुलिस परेड में प्रतिनिधित्व करने का अवसर एक अमूल्य पूंजी है, गौरव का क्षण है। आज सर्वप्रथम मैं हमारे संविधान निर्माता सभी को भावनात्मक श्रद्धांजलि देते हुए उनका नमन करता हूं। आज हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए सभी वीर क्रांतिकारी और महापुरुषों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। साथ ही सड़क पर अपने बलिदान से हमारे सेना के जवान जो हमें सुरक्षित महसूस करते हैं उनको याद करते हुए उनके त्याग और बलिदान को नमन करता हूं और उनको नमन करता हूं। और साथ ही जो एक और साल हमारे जनपद में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और विभिन्न कार्यक्रमों के प्रबंधन में अपने मेहनत और कार्य कुशलता से, सूझबूझ से, अच्छे प्रबंधन के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हमारे सभी पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण और सिपाहीगण सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और बधाई भी देता हूँ। साथ ही साथ पिछले दो सालों से वैश्विक महामारी के महासंग्राम में निरंतर प्रयास करते हुए, कटिबद्धता के साथ, धैर्य और साहस के साथ इस महामारी के युद्ध में योगदान दे रहे हमारे कोरोना वॉरियर्स, विशेषकर हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारीगण, आशा एएनएम, आंगनवाड़ी बहने, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन पूरे जनपद की ओर से देना चाहता हूँ। आज हमारे जनपद में बृहद टीकाकरण अभियान में 95% से ज्यादा लोग प्रथम डोज लगा चुके हैं और 62% से ज्यादा लोग द्वितीय डोज लगा के पूरी तरह टीकाकृत हुए हैं। ये कोई महा उपलब्धि से कम नहीं है, जिसके लिए जिसका पूरा श्रेय हमारे स्वास्थ्य टीम और सम्मानित नागरिकों को जाता है। इसी संग्राम में निरंतर प्रयास कर रहे हमारे पुलिस महकमे को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में इस चुनौती के बावजूद धरातल पर खड़े होकर सभी की सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन के लिए लगातार प्रयास करके इस युद्ध में हम जीते हुए अग्रसर करने में वो लोगों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। साथ ही इस कठिन घड़ी में सभी सम्मानित सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे संगठनों ने बहुत बड़ा काम किया है। उद्यमियों ने और उद्यमिता से जुड़े हुए सभी लोगों ने योगदान दिया है। प्रशासन से जुड़कर अपने निस्वार्थ भाव से कहीं किसी ने कम्युनिटी किचन चलाए हैं, कहीं किसी ने लोगों को स्वास्थ्य के लिए प्रबंधन किया है। मैं उन सब का जिला प्रशासन की ओर से, सभी की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। और ये इस मौके का फायदा उठाते हुए सभी जनपद वासियों को आश्वस्त करना चाहूंगा, इस तीसरे लहर के बीच में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करके सुदृढ़ करने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है, ताकि कोई भी ऐसी चुनौती हमारे सामने खड़ी हो, हम लोग पूरी तरह तैयार हैं और इसमें सभी की प्रतिभागिता से, सभी के योगदान से हम इस तीसरे लहर को भी सफलतापूर्वक विजय होकर उभर के आएंगे और सभी के जिंदगी को, जीविका को भी सुरक्षित करने में कामयाब होंगे। आप सबके प्रयास, दुआ और योगदान से हमें निश्चित रूप से ये नजर आ रहा है कि हम इस वैश्विक महामारी के खिलाफ निश्चित रूप से जीतने में कामयाब हो जाएंगे। आते हुए अगला कार्यक्रम का वास्तव में अमूल्य होता है, बहुमूल्य होता है। Commander Fletcher!
परिचय प्राप्त करते हुए बहुत कुशल नेतृत्व रहा प्रथम परेड कमांडर का। यही तो आश्वस्त करता है समाज को कि अगर सशक्त हाथों में नेतृत्व है तो फिर कहना ही क्या। पुलिस लाइन गोरखपुर में गणतंत्र दिवस परेड 2022 को किया गया है, जिनको रुपया 4,000 नकद रामगढ़ साल गुलरिया आरक्षित बहुत बढ़िया होमगार्ड गोरखपुर पुलिस को भी विशेष व सक्रिय सहयोग समरगौर यातायात उनको मोमेंटो देकर आज का दिवस हमेशा अनंत काल तक स्मरणीय रहे, इसके लिए आप मोमेंटो देने की कृपा किया जाएगा। श्रीमती तारा देवी ग्राम मुंडेरा बाजार थाना चौरी चौरा श्रीमती तारा देवी क्या वाणी। दूसरे श्रीमती सोनवर्षा देवी पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर श्री जे रविंद्र गौड़ आईपीएस महोदय को मोमेंटो देके आज के लम्हे को चिरा आज गणतंत्रता दिवस की परेड पुलिस लाइन में आयोजित की गई, जिसमें बड़ी शानदार परेड हमारे पुलिसकर्मियों ने की और इसमें मुख्य अतिथि हमारे जिलाधिकारी महोदय थे और समस्त जनपद में भी इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था सभी जगह सुनिश्चित की गई है। तमाम पुलिस बल भ्रमण पर है और आज शाम तक भ्रमण पर रहेंगे और कई पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने पूरे वर्ष बहुत अच्छा कार्य किया
उनको सम्मानित किया गया है मुख्यालय स्तर से और जिला स्तर से मेरे द्वारा। सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई है गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर। पूरे जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन की ओर से मैं सभी सम्मानित गोरखपुर के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। एक और साल हम लोग हमारे जनपद और पूरे देश को प्रभुत्व और गणतंत्र अखंड बनाने में कामयाब हुए हैं। आप सबका योगदान रहा है, मैं सभी को बधाई देता हूं और आग्रह करता हूं विशेषकर हमारे छात्र छात्राओं से कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें और शैक्षणिक और विभिन्न माध्यमों में कौशल विकास की ओर जुड़ते हुए अपने सपनों को उड़ान देते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि इस जनपद का भविष्य आप ही के सपनों के आधार पर लिखा जाएगा। सभी उद्यमी, सभी हमारे प्रोफेशनल, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो एडवोकेट्स हों, सभी को मैं आग्रह करूँगा कि आप अपने अभिनव प्रयासों को बरकरार रखें, आगे बढ़ें। अभी तक आपने जो इस जनपद को योगदान दिया है उसके लिए हम नमन करते हैं और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मैं पूरे प्रशासन ने मूलभूत सुविधाओं के साथ पुलिस व्यवस्था के साथ करने का कटिबद्ध तैयारी किया है। हम संकल्पित हैं निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए। 3 तारीख को उत्सव की तरह और इस गणतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए आप घर से बाहर निकल के मतदान ज़रूर करें। पूरी व्यवस्था की गई है, कोई भी जिज्ञासा है उसको दूर करें और हमारे जनपद को गौरवान्वित करने की इस अभियान में आप शरीक हो जाएं।